सबसे पहले बात संसद सत्र में की और उसमें उससे पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसकी बात करेंगे। किस तरह से संसद सत्र की तैयारी की जा रही है, किस तरह से बजट सत्र की तैयारी की जा रही है। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र और कई मायनों में महत्वपूर्ण है संसद का ये बजट सत्र। तो कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये सत्र। सभी की निगाहें कल संसद के बजट सत्र पर रहेंगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक, संसद परिसर में आयोजित की गई ये बैठक। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक में मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के दौरान कांग्रेस गैर हाजिर रही और इस पर सभी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस सर्वदलीय बैठक से गैर हाजिर रही। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में मौजूदगी की वजह से कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठक में नहीं आए। तो सवाल बड़ा है कि आखिर क्या संसद का सत्र महत्वपूर्ण नहीं है। बैठक के दौरान सरकार ने संसद को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। विपक्षी दलों ने भी सरकार के सामने कई मुद्दे रखे, कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और यह परंपरागत तरीके से यह बैठक सत्र से पहले आयोजित की जाती है। कांग्रेस की ओर से सदन को चलाने से संबंधित सुझाव देने या अन्य मुद्दों को रखने के लिए कोई मौजूद नहीं रहा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन से होगी। बजट सत्र से के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा और फिर 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी, क्योंकि अंतिम वर्ष में पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है। साल 2024 में आम चुनाव होंगे, इसलिए यह बजट कई मायनों में अहम है और सभी की निगाहें इस आम बजट पर होंगी। विधायी कार्यों और संसद सत्र की चर्चा को लेकर एनडीए की भी आज शाम अहम बैठक हो सकती है और यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। किस तरह से रणनीति बनाई जाए संसद में ये इसमें तय किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र दो हिस्सों में होगा और बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पहला भाग चलेगा, जबकि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें होंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बजट सत्र और कल से ये शुरू होगा बजट सत्र। सबसे खास बात ये भी रही कि इस बजट सत्र में आज जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई इस सत्र से पहले तो कांग्रेस उससे गैर हाजिर रही। तो ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी कही जा सकती है कि आखिर कांग्रेस का गैर हाजिर रहना आखिर क्या संकेत है, क्या संदेश है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक की बात करें उससे पहले जो कांग्रेस की गैर हाजिरी रही है उसके बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि ये एक परंपरागत तरीका है कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत होती है सभी दलों के बीच में और किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाना है ये सभी दल, सरकार और जो बाकी दल हैं वो बैठकर तय करते हैं और ऐसे में कांग्रेस का गैर हाजिर रहना क्या बताता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि सत्र से पहले इस तरह की बैठकें होती है, उसमें तमाम दलों को, विपक्षी दलों को, जो प्रो लीडर्स हैं उनको मौका दिया जाता है, उनसे कहा जाता है, अनुरोध किया जाता है कि वो बैठक में आए, जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं सत्र के दौरान उस पर चर्चा हो, सरकार अपने विधायी एजेंडे को औपचारिक तौर पर सामने रखती है। आज की बैठक में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों का ना आना दरअसल वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के हवाले से तो इस तरह की बात आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में उनके नेता व्यस्त हैं इसलिए आज की बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि जब संसद सत्र की शुरुआत हो रही है और उससे ठीक पहले सरकार ने कामकाज सुचारू रूप से चले इसके सहयोग मांगने के लिए सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है, तो कांग्रेस को भी या अपने प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजा जाना चाहिए। निश्चित तौर पर यह एक सवाल उठता है और कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा, बताना होगा कि आखिर क्या कारण था, कि क्या भारत जोड़ो यात्रा ही वो एक वजह थी या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से वो आज की बैठक में शामिल नहीं हुए। तमाम क्षेत्रीय दलों के जो दो लीडर्स हैं
वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, हम देख रहे हैं, और इस बैठक में एक लंबी चर्चा हुई है। ये बैठक अब खत्म हो रही है, तकरीबन 12 बजे बैठक शुरू हुई थी और 2 बजे 2 घंटे तक ये बैठक चली है। इसमें सरकार की तरफ से जो उनका एजेंडा है, विधायी एजेंडा, उसकी पूरी व्यापक जानकारी दी गई है। विपक्षी दलों की तरफ से तमाम जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उन्होंने जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहते हैं उस पर विस्तार से बातचीत हुई है। जो हमें बताया गया है कि सरकार ने कहा कि जिस भी मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं, पहले जो अहम विधायी कामकाज है, जो महत्वपूर्ण कामकाज है, वो निपट जाए, उसके बाद नियमों के तहत सरकार सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों का ना आना, साथ ही साथ कुछ अन्य छोटे दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं आया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इन दलों के नेताओं को सोचना होगा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में वो क्यों शामिल नहीं हुए। जी, ये एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या कांग्रेस संसद सत्र को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो सर्वदलीय बैठक होती है परंपरागत तरीके पर सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं, किसी के कुछ मुद्दे होते हैं तो वो सामने रखे जाते हैं, और ऐसे में कांग्रेस का वहां से एब्सेंट रहना, ये किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सवाल तो पूछे जाएंगे कि लोकसभा या राज्यसभा से जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आखिर बैठक में क्यों नहीं आए। उनके अपने कार्यक्रम हो सकते हैं, पार्टी के अपने कार्यक्रम हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व्यस्त हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी सोचना होगा कि इसको लेकर एक सवाल पूछा जाएगा, और ये बात सामने आएगी कि जब तमाम देश के जो प्रमुख दल हैं उनके नेता, फ्लोर लीडर्स बैठक में शामिल हुए, सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोकसभा में उपनेता हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यों से संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन राज्यसभा पीयूष गोयल समेत तमाम प्रमुख नेता शामिल हुए, तो वहीं विपक्षी दलों की तरफ से भी कई नेता आए। ऐसे में शरद पवार इस बैठक में शामिल हुए और कई नेता शामिल हुए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई, ये निश्चित सवाल पूछा जाएगा कि क्या उनकी रणनीति अलग है, क्या वो सदन चलाने को लेकर बहुत गंभीर नहीं, या फिर संसदीय लोकतंत्र की महत्ता को उस तरह से नहीं समझते। निश्चित तौर पर इस पर सवाल हो सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से पूछा जाए। जी, एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि अब चूंकि शैलेंद्र आपको रोकना चाहेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि वहां पर लाइव हमको चलना है, आइए लाइव लिए चलते हैं। सबसे पहले इस बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा, महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा, और उसके बाद रेसेस होगा, और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। तो आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था, इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का, और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी, उसमें सब विषय आ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल था, यही हमने उधर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इश्यू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। ओवरऑल इन ए गुड एटमॉस्फेयर मीटिंग वेंट ऑन वेल, एंड आई सीक द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द अपोजिशन, एंड सिंस गवर्नमेंट इज रेडी फॉर एनी डिस्कशन आई सीक द कोऑपरेशन फॉर रन द हाउस स्मूथली। कांग्रेस
नहीं, कांग्रेस पार्टी का मैं पहले क्लैरिफाई करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने एक लेटर लिखा, कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक लेटर लिखा है, दे आर स्टक इन दी का जम्मू कश्मीर फॉर वेदर इश्यूज, सम फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, दिस इज व्हाट इज इन्फॉर्म्ड टू अस एंड दे हैव आल्सो रिटन लेटर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस पार्टी वुड इन हिज लेटर ही हैज सेड दैट टुमारो ही विल कम एंड सी मी पर्सनली, मीन्स दे वॉन्ट टू अप्राइज देयर इश्यूज टू मी एंड आई विल डेफिनेटली मीट देम। नहीं नहीं, ऐसे बहुत मांग किए हैं, सब मांग के लिए चर्चा होंगे और सरकार जो कुछ भी उनका मांग है हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके निर्णय करेंगे। नहीं, बहुत चर्चा उन्होंने मांगा है लेकिन सब चर्चा रूल्स एंड प्रोसीजर के आधार पर हम चर्चा जब आता है हम करेंगे। सर नई बिल्डिंग में पार्लियामेंट लगेगी? अभी तो अभी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में हमारा सत्र चलेगा। सर सपा का कोई था? समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का नहीं है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण संसद भवन परिसर से, जहां पर प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को। उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने एक तो ये कहा कि 27 दलों के 31 नेता जो थे वो जुटे सर्वदलीय बैठक में, और कांग्रेस के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक पत्र कांग्रेस की तरफ से लिखा गया था कि वो लोग जम्मू कश्मीर में हैं और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं कुछ मौसम की वजह से, और इस वजह से वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कल वो दूसरे दिन जाकर व्यक्तिगत तौर पर मिल करके जो अपनी बातें हैं वो संसदीय कार्य मंत्री के सामने रखेंगे, ऐसा उस पत्र में जिक्र किया गया है। तो इन चीज़ों को क्लियर किया गया है, और साथ ही साथ ये भी प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर सरकार कभी भी चर्चा कराने को लिए तैयार है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। शैलेंद्र, प्रहलाद जोशी ने इस बात को तो क्लियर कर दिया कि एक पत्र कांग्रेस की तरफ से भेजा गया था जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मौसम खराब है, कुछ फ्लाइट्स का इशू था जिस वजह से कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए और वो बाद में आकर पहुंचेंगे, और सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। अब किस तरह से इस बदली हुई राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जब ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र आया कि वहां फ्लाइट डिले होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए और कल व्यक्तिगत तौर पर प्रहलाद जोशी से मिलकर जो उनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को सदन में उठाना चाहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। संसदीय लोकतंत्र में हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर एक साथ सदन को चलाने में सहयोग करें, और ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं आए, भारत जोड़ो यात्रा में क्या इतने व्यस्त है कि वो सत्र के दौरान नहीं आ सकते। अब जब इस बारे में प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि फ्लाइट डिले की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि ये बैठक फ्लोर लीडर्स की होती है जिसमें लोकसभा या राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स ही शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की चल रही है उसमें हिस्सा ले रहे थे, इस वजह से नहीं आ पाए ऐसा लग रहा है। लेकिन तब भी क्या पहले से प्लान नहीं किया जा सकता था कि जब इतनी महत्वपूर्ण बैठक है तो एक दिन पहले आ जाते कांग्रेस पार्टी के नेता? यह सवाल जरूर हो सकता है कि उठे कुछ नेताओं के द्वारा, दलों के द्वारा, कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर गंभीरता इतनी क्यों नहीं दिखाई यहां पहुंचने को। लेकिन अब जब स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने पत्र के जरिए बता दिया था संसदीय कार्य मंत्री को, तब ये मुद्दा एक तरह से कहें तो एक खत्म हो जाता है, या उस पर उतनी चर्चा शायद सरकार की तरफ से कोई नेता न करे या सत्ता पक्ष। जी जी जी, निश्चित तौर पर, और सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो या किसी भी तरह की जो नियमों के अनुकूल होगी और जो पीठ अलाउ करेगी उस पर चर्चा करने की भी बात कही है सरकार की तरफ से। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि नियमों के मुताबिक जिन भी विषयों पर चर्चा के लिए सहमति बनती है सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और दूसरी बात स्पष्ट तौर पर यह कही गई है कि पिछले सत्र के दौरान भी ये देखने को मिला था कि चर्चा हुई थी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो मांग की गई है उस पर चर्चा हुई थी, इस बार भी अगर समय मिलता है तो चर्चा होगी। तो यानी सरकार ने संकेत दिए हैं कि आप सहयोग कीजिए, सभी दलों से सहयोग मांगा है, और चर्चा जिस भी विषय पर नियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति तय करते हैं उस पर सरकार को कोई दिक्कत नहीं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।